स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जी एडम, एडम जी आपने क्या दावा किया पहले? फिर सही बुखारी सही मुस्लिम में अभी आपने बोला ना बिलाल को आजाद किया गया, दे दो जरा हदीस। आपने क्या चैलेंज किया था? जो चैलेंज करता हूँ सही बुखारी सही मुस्लिम, बिलाल को आजाद किया, ये बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, अबू दाऊद में नहीं है। क्या है ना, आप दे दो ना, कहा पहले तो दावा कीजिए। और भाई मैंने कहा मुझे नहीं मिला था, आप दे दो भाई, हाथ जोड़ के बोलो दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट, नंबर बोलो। हाँ, इंटरनेशनल नंबर चाहिए आपको? देखिए इंटरनेशनल, एक मिनट, 3754। ओके 3754, ओके ये ले जी, स्क्रीन दे दे जी, पढ़िए। उमर यूज्ड टू से अबू बकर इज आवर चीफ एंड ही मेरिटेड आवर चीफ, मीनिंग बिलाल। बिलाल आप सबका चीफ है? बोलिए बोलिए, फिर बोलिए, पढ़िए। नहीं नहीं पता, आप बताइए भाई, आपका जब पूरा आगे पढ़िए। इससे आगे क्या पढ़ूं, इससे आगे कुछ है ही नहीं, हदीस ही मुक गई। ये पर क्या लिखा है, ट्रांसलेट कीजिए उर्दू क्या लिखा हुआ है। सही है, थोड़ा उर्दू कर दीजिए। सर सर आप बताइए ना, इससे आगे क्या लिखा हुआ, इससे आगे कुछ लिखा हुआ है भाई? सर थोड़ा उर्दू कर दीजिए यहाँ से हदीस को। अंग्रेजी पढ़ना भूल गई है भाई? अंग्रेजी तो आती है लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर। अभी आप ट्रांसलेट करें भाई, हमारे पास तो बांग्ला भी मौजूद है, मेरा मदर टंग बांग्ला भी मौजूद है हमारे पास। अबू बकर रजी अल्लाह ने हमारे सरदार है और हमारे सरदार को उन्होंने आजाद किया है, इनकी मुराद हजरत बिलाल رضی اللہ عنہ تھے جناب۔ تو یہ سے کیا پتہ چلا بلال کو آزاد کیا؟ بلال حضرت بلال حضرت ابوبکر کے اور حضرت حضرت ابوبکر کے سردار تھے جی؟ بالکل سردار بھی تھے۔ اوکے یہ کیسے چینج کیسے ہوا؟ ایک سیکنڈ بھائی، حدیث دیکھیے، ایڈم ایڈم بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا دعویٰ کیا تھے؟ یہاں پہ بلال کو آزاد کیا، اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ہم نے ہاں جی ہاں جی بتائیں 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 بلال بن ربعہ بلال بن ربعہ अच्छा चलो एक मिनट, बाकी लोगों को मैं निकाल रहा हूँ अभी फिलहाल। अलाउ मी टू फिनिश दिस होल आर्गुमेंट वंस एंड फॉर ऑल। उससे जगह पर लेकर जाती है। रुक जा राहुल भाई, रुको। जी राहुल जो है ना, उनको सिर्फ चीजें लानी आती हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या ला रहे हैं और किसके पास ला रहे हैं। ये जनाब फतुल बारी है जो कि बुखारी के ऊपर एक्सरजीट लिखता है। देखें बिलाल को के बारे में जो बात इन्होंने की है, उनको खुद नहीं पता कि फतुल बारी क्या लिख रहे हैं। ये इमाम फतुल बारी है, ये सेम हदीस है 3544। अगर हम यहाँ पे भी देखें, ये 3754 है। फतल बारी के अंदर और सही बुखारी के अंदर हदीसों के नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन अगर अरबी जान सकते हैं तो उन्हें पता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, काना काला उमर यकूल अबू बकर सैदना वती के सैदना यानी बिलाल। ठीक है, ये हमारे पास सेम हदीस है, जाबर काला काला काना उमर यकूल अबू बकर सैदना वती के सैदना यानी बिलाल। हमारे पास यहाँ पे ये जो हदीस आपके पास आई है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं और आप लोग बात भी कर रहे थे, ये हदीस का जो चैप्टर है वो क्या बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में जो कदमों की चाप देखी है, तो बिलाल से बात करते हुए वकाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दफना नहीं, बिलाल से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हारी कदमों की चाल जन्नत में देखी है। ये वाली जो हदीस है ये बता रही है कि बिलाल को गुलामी से आजाद करने की बात नहीं, मैनिमेट किया उसको जन्नत में, उसको इस दुनिया की और जहन्नम से आजाद करवाया है, जन्नत में लेके गया। इसी हदीस की जो नेक्स्ट हदीस है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट हदीस है उसमें बिलाल खुद बोल रहे हैं बेचारे कि अबू बकर से कि अगर तुमने मुझे अपने लिए खरीदा है तो अपने पास रखो, अगर अल्लाह के लिए खरीदा है तो मुझे आजाद कर दो। इन दोनों हदीसों की जो एक्सरजीट है जो कि सही इमाम फतल बारी करते हैं, इन दोनों हदीसों की एक्सरजीट में वो बता रहे हैं सिर्फ ये कि अबू बकर ने खरीदा बिलाल को और यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये नहीं बताते कि उन्होंने कभी भी उन्हें बेचा, सॉरी आजाद किया। कि मौला अबू बकर बिन अभी शेख कैस हाजम सनद के साथ है, रवायत है कि उन्होंने अबू बकर ने बिलाल को 5 अक्कों में खरीदा जबकि वो पत्थरों से दफन थे। सो पत्थरों से दफन थे
اس پتھروں کے دفنے سے اس سے بچایا ہے، اس سے آزاد کرایا ہے، مگر وہ ابو بکر کی غلامی سے کبھی آزاد نہیں ہوئے تھے۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پتھروں میں جہاں پہ انہیں دفن کیا ہوا تھا وہاں سے آزاد کرایا ہے۔ یہ امام حاجر اسکلانی فتح الباری کے اندر لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا، مجھے تو کوئی مانتا ہے نہیں مانے، آئی ڈونٹ کیئر، ان کو مان لے، اگر ماننا چاہتے نہیں مان جاتے، میری بلا سے اپنی ایکسجیٹ کر لے۔ یہاں پہ مزید آگے جو ہے وہ کچھ اور نہیں لکھا ہوا، صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح دلیل کے ساتھ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ یہاں پہ امام حاجر اسکلانی کچھ نہیں لکھتے۔ سیم چیز جو دوسری والی حدیث ہے، کیونکہ فتح الباری کو کھولنا تھوڑا سا ڈفرنٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو صحیح بخاری کے چیپٹر کے اندر جا کے وہ حدیث ڈھونڈنی پڑتی ہے، یہ والی حدیث کے اندر بھی انہوں نے وہی بات بتائی ہوئی ہے جو کہ بلال کی اس کے بارے میں ہے، اور یہ وہی لڑائی ہو رہی ہے کہ بلال بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے آزاد کیا جائے، پلیز آئی بیگ یو کہ مجھے آزاد کیا جائے اگر آپ نے مجھے اپنے لیے نہیں خریدا تو، اور آپ کے جو چیپٹرز ہیں بخاری کے وہ بھی اسی چیز کی دلیل دے رہے ہیں۔ سو ان فیکٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ ہیئر اباؤٹ کہ یہ ان کی غلامی سے آزادی ہے، یہ پتھروں سے آزادی ہے جس کے اندر ان کو دفن کیا ہوا تھا مرنے مارنے کے لیے، اور بلال نے اپنا غلام بنا لیا ابوبکر نے۔ اٹ از ناٹ ا فریڈم ایز مینیمیشن۔ پلیز تھینک یو سو ویری مچ۔ ٹھیک ہے بھائی، راہل صاحب اب یہ ڈسکرپشن میں آپ کو فتح الباری سے پورا ڈسکرپشن میں بتایا ہے۔ ہمارا نام برادر راہل حسین ہے، ٹھیک ہے، بنگال کے اندر دیکھیے آپ کا جتنے بھی اسسٹ ہے نا، لائف میں جوائن کرنے کے لیے ڈرتی ہے، ڈر مجھے پتہ لگا کون ڈر رہا ہے، بنگال کے اندر جتنے بھی اسسٹ ہے بنگال کے اندر، یہاں پہ بات میرا نام برادر راہل، یوٹیوب میں سرچ کیجیے، میرا نام ٹٹی راہل ہے، یہ بات کر جو سامنے لکھا ہوا ہے۔